Students, in previous class we have discussed about the marginal utility of a commodity, and we also saw the relationship between total utility and marginal utility, how marginal utility is derived from total utility. With the help of graph, I explained the relationship between total utility and marginal utility. So today we are going to discuss relationship between total utility and marginal utility, and after that we will discuss law of diminishing marginal utility. So first see relationship between TU and MU that we observe from the graph and from the study of marginal utility. We observe that TU increases with an increase in consumption of a commodity as long as MU is positive. Means TU will increase as we increase consumption, or as a consumer increases consumption of a commodity, TU increases. Okay. And TU will increase up to the level where MU is positive, or TU increases till MU is positive. Means marginal utility जब तक positive रहेगा, जब तक उसका value जो है zero तक जाएगा, इन zero से बड़ा रहेगा, तब तक जो है increase करेगा. zero पे जाने के बाद जो है वो fix हो जाएगा. तो जब तक positive है तब तक TU क्या होगा, इंक्रीज करेगा. इन दिस फेज टी यू इंक्रीजेज बट एट डिमिनिशिंग रेट एज एम यू टेंस टू डिमिनिश एट इच सक्सेसिव यूनिट. इसका मतलब ये हुआ कि टी यू जो है इंक्रीज करेगा, लेकिन ये जो है डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करेगा. मतलब ये हुआ कि टी यू जो बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी जो बढ़ रहा है वो घटते हुए बढ़ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि पहले यदि जैसे टोटल यूटिलिटी अभी 10 है, तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा वो 15, तो 5 बढ़ा, 10 से 15 गया तो 5 बढ़ गया. फिर नेक्स्ट यूनिट में हो जाएगा वो 18, तो 15 से 18 हुआ तो 3 बढ़ा, पहले 5 बढ़ा था अब 3 बढ़ गया. फिर नेक्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया गया तो टोटल यूटिलिटी हो गया 20, 18 से हो गया 20, यानी कि 2 बढ़ा, तो पहले 5 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रहा है. 15 से जो है 20 हो गया, 15 हुआ, फिर उससे जो है 18 हुआ, फिर 20 हुआ, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रहा है. लेकिन किस रेट में बढ़ रहा है, घटते हुए रेट में बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट. ठीक है. तो चूँकि एम यू जो है घटते जाता है विथ कंजम्पशन ऑफ इट्स सक्सेसिव यूनिट, इसीलिए टी यू इंक्रीज करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है. ऐसा नहीं है कि पहले 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 10, इस तरह से नहीं. नेक्स्ट, व्हेन टी यू रीचेज इट्स मैक्सिमम एम यू बिकम्स जीरो, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैटिएटी. ये पहले भी हम बता चुके हैं कि जब टी यू जो है अपने मैक्सिमम पे चला जाता है, और मैक्सिमम पे वो कब जाता है, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है जीरो हो जाता है, यानी कि जो सक्सेसिव यूनिट है, जो लास्ट यूनिट है जो कंज्यूम किया गया, उसका यूटिलिटी कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी उसमें जो है उसका सेटिस्फेक्शन जो है नहीं दे पाया वो, यानी कि वहाँ पे जो है अब वो न्यूट्रल हो गया है. तो वहाँ पे जो है टोटल सेटिस्फेक्शन जो है, टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम होता है. ठीक है. तो फैन marginal utility becomes zero, then total utility reaches its maximum. और वो जो point होता है जहाँ पे TU maximum रहता है और MU जो है zero रहता है, उस point को बोलते हैं point of satiety. तो point of satiety को आप याद रखेंगे कि point of satiety, what is point of satiety? Point of satiety is a point, is a position where MU becomes zero and TU reaches its maximum. Next, when consumption is increased beyond the point of satiety, TU starts
विच एज एम यू बिकम्स निगेटिव। नाउ यहाँ पे जो है एक मिस्टेक हो गया, टी यू स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, यहाँ पे लिखना है डिक्रीजिंग, ठीक है, डी आई एम आई एन आई एस एच आई एन जी, डिमिनिशिंग। व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिएटी, टी यू स्टार्ट्स डिमिनिशिंग व्हाइल एम यू बिकम्स निगेटिव, ठीक है। तो जैसे ही पॉइंट ऑफ सैटिएटी यानी कि जिस पॉइंट पे एम यू जीरो हो चुका है, और यदि नेक्स्ट फिर आप यदि कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब एम यू जीरो से कम हो जाएगा, यानी कि एम यू निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव कंट्रीब्यूशन यदि हो रहा है, तो इसका मतलब जो टोटल यूटिलिटी है वो घटना चालू हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो है ऐड तो हो नहीं रहा है, प्लस तो हो नहीं रहा है, उसमें पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू ऐड हो रहा है, तो निगेटिव वैल्यू ऐड हो रहा है इसका मतलब माइनस होगा, तो घटने लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको आप ग्राफ के द्वारा जो है समझिए। टोटल यूटिलिटी फ्रॉम आइसक्रीम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम, ये आपको हम पिछला बार जो है पिछला क्लास में भी इस ग्राफ को हम दिखाए थे। ये जो ग्राफ है ये आपको दिखा रहा है टोटल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम, और ये दिखा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम, दोनों को हम कंबाइंड ग्राफ दिखाएं। तो इस क्वेश्चन में जब भी आपको ग्राफ दिखाना है तो आप कोशिश कीजिएगा कंबाइंड दिखाने का, तो ये ज़्यादा जो है क्लियर रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो फिफ्थ यूनिट है वहाँ पे आपको क्या है, आपको क्या है, मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी, ये जो टोटल यूटिलिटी वो वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। तो जब फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो रहा है, और टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, मैक्सिमम, जो कि 50 के आसपास में है, ठीक है, 50 है। और यहाँ पे देखिए ज़ीरो है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे ज़ीरो है। और स्टार्टिंग से जब आपको टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है तो आप देखिए ये जो है डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट। जो कर्व, यदि आपको इस टाइप का कर्व यदि हो रहा है, इस टाइप का यदि कर्व है, तो ये डिमिनिशिंग रेट में जा रहा है। आपको यदि इस टाइप का कर्व बन रहा है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग रेट में जा रहा है, ये इस तरह से यदि जाएगा इसका मतलब वो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी यदि बढ़ते जा रहा है तो इस टाइप का कर्व होगा। यदि आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका कॉन्स्टेंट है, तो जो टोटल यूटिलिटी कर्व होगा वो इस टाइप का होगा, स्ट्रेट, ठीक है, सेम रेट में इंक्रीज हो रहा है। यदि आपको इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है तो इस तरह से कर्व बनता है, यदि आपको डिक्रीजिंग रेट में जा रहा है तो इस तरह से बनेगा जो अभी है। तो ये जो टोटल यूटिलिटी कर्व है ये आपको दिखा रहा है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पहुँचने के बाद आप देखिए कि टोटल यूटिलिटी जो है घटना चालू हो गया, इधर नीचे जाने लगा ग्राफ। ग्राफ क्यों नीचे जाने लगा, क्योंकि आपका इसके बाद जो है मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, माइनस होते गया, इस ये निगेटिव में वैल्यू जाने लगा, इसीलिए जो है घटने लगा। तो ये आपको था ये रिलेशनशिप, उसका ये कर्व कल आपको दिखाए थे, तो आज जो है चूँकि रिलेशनशिप बता रहे हैं दोनों के बीच में, तो ये जानना जरूरी है। इस कर्व को आप अच्छे से याद रखेंगे और आपको एग्जाम में भी आ सकता है, इसको आपको ड्रॉ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नो नेक्स्ट जो आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है और जो हम लोग अभी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का, इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये लॉ क्या कहता है, इसका लॉ का मतलब क्या है, ये देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। यही चीज़ जो हम लोग तभी से डिस्कस करते आ रहे हैं, इसको हम बताते आ रहे हैं कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं तो उस कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगा, उस कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपको घटते जाएगा, वो जो है आपको डिक्रीज होते जाएगा। तो इस सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी अ कंज्यूमर कंज्यूम्स
इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यही ये लॉ बोल रहा है। दिस लॉ हैज़ यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी एंड अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। दिस लॉ वॉज फर्स्ट गिवेन बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट एच एच गोसेन, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। चूँकि एच एच गोसेन्स जो आपको जर्मन इकोनॉमिस्ट था उसके द्वारा जो है फर्स्ट टाइम ये लॉ को दिया गया था, इसीलिए इस लॉ को जो है आप गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है। तो गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन हो चाहे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, दोनों जो है आपको एक ही चीज। नेक्स्ट देखते हैं नौ, जो यदि ये लॉ जो है आपको एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या गोसेन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लॉ को जो है एक्सप्लेन करेंगे, फिर एजम्पशंस आप जो है लिखेंगे क्या क्या एज्यूम किया गया है इस लॉ का जो है सही होने के लिए अप्लीकेबिलिटी के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो आपको शेड्यूल बना है टेबल बनाना है एग्जाम्पल, और फिर आपको ग्राफ बनाना है। तो ये जो है आपको मैंडेटरी है, ये आपको लॉ में ये चारों चीज़ आपको देना होगा, पहला लॉ का स्टेटमेंट, दूसरा एजम्पशंस, तीसरा जो है एग्जाम्पल, और फिर उसका ग्राफ। क्या क्या एजम्पशंस है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये जो पहला जो आपको इसमें है एजम्पशंस वो है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि यहाँ पर यूटिलिटी को मेजर किया गया है नंबर से क्वान्टिटेटिव टर्म्स में, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 इस तरह से। आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं नंबर्स के टर्म्स में, जैसे 5 यूटिल्स 10 यूटिल्स 20 यूटिल्स इस तरह से, तो ये हो। सेकेंड क्या है, कंटिन्यूस कंजम्पशन, इसमें ये बताया गया है कि कंज्यूमर जो है कंटिन्यूसली जो है कंज्यूम करते जाएगा, ऐसा नहीं है कि कंज्यूम करने के बाद रुक गया और फिर जो है 1 घंटा बाद 10 घंटा बाद दूसरा दिन जो कंज्यूम करेगा। जैसे आज मान लीजिए 1 गिलास पानी पिए, फिर जो है नेक्स्ट गिलास जो है आपको कल पियेंगे, तो उसमें सेटिस्फेक्शन जो है आपको क्या होगा, चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है, इसमें घटेगा नहीं सेटिस्फेक्शन। तो इस तरह से जो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कंजम्पशन जो है कंटिन्यूसली हो रहा है, लगातार हो रहा है, रुक नहीं रहा है। नो चेंज इन क्वालिटी, तीसरा चीज़ जो है क्वालिटी में चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए यदि क्वालिटी चेंज हो जाएगा तो ठीक है, आपका जो है मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटेगा नहीं, जो कोई चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हैं और नेक्स्ट यूनिट जैसे आप कंज्यूम करें तो उसका क्वालिटी को चेंज कर दिया गया, टेस्ट को चेंज कर दिया, जैसे टेस्ट चेंज होगा तो हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटेगा नहीं, वो बढ़ भी सकता है या फिर सेम रह सकता है। तो ये भी एज्यूम किया गया कि क्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड है रेशनल कंज्यूमर, द कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रेशनल, रेशनल कंज्यूमर का मतलब हो गया कि एक कंज्यूमर जो है वो रेशनल है, यानी कि वो कैलकुलेट कर रहा है, वो मेजर कर रहा है, और उसका जो मेन मोटिव है वो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि वो सेटिस्फेक्शन को जो मैक्सिमाइज करना चाहता है, ठीक है, वो कोई चीज़ से बाध नहीं है, ठीक है, वो जो है फ्री है, फ्री टू कंज्यूम टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, इनकम जो है कंज्यूमर का वो फिक्स है, गुड्स का जो प्राइस है वो भी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो, क्योंकि प्राइस यदि चेंज हो जाएगा तो उससे भी जो हो सकता है कि टेस्ट जो है उससे गड़बड़ हो जाएगा। परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द वेरियस चॉइसेस टू हिम, ठीक है, यहाँ पे यू मिस्टेक हो गया है, सो वेरियस चॉइसेस अवेलेबल टू हिम, AVAIMABLA, सो कंज्यूमर हैज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द वेरियस चॉइसेस अवेलेबल टू हिम। तो जो कंज्यूमर है उसके पास परफेक्ट नॉलेज, उसको मालूम है कि क्या चॉइस उसके पास अवेलेबल है, और नोइंगली जो है वो उसको सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब था आपको एजम्पशंस, बाकी जो है आपको टेबल, इसका एग्जाम्पल ग्राफ, that we'll discuss in next class. Thank you.